कम टू टॉपिक ऑफ डेली स्कैन और आज का सेकेंड टॉपिक है अडल्टरी ये कुछ सालों से न्यूज में रहा है क्योंकि सबसे पहले आईपीसी में अडल्टरी एक ऑफेंस ऑफेंस था था एक क्रिमिनल उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने इसे क्रिमिनलाइजेशन से हटा दिया था अडल्टरी बिकेम आ सिविल ऑफेंस और अभी फिर से जो नया कानून जो आई को रिप्लेस करके बी एन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उसमें फिर से अडल्ट्री को एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाने की बात की जा रही है तो एक बार फिर से अपन इन सारे टॉपिक को समझेंगे तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है वो इस टॉपिक पर एक रिपोर्ट पेश की है और उस रिपोर्ट में बेसिकली बी जो भारत न्याय संहिता जो आई पी और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगी उसमें एक पर्टिकुलर प्रोविजन की अपन बात करेंगे जिसमें पहले अडल्टरी को क्रिमिनलाइज किया गया था फिर आईपीसी के जजमेंट आईपीसी में आ, को उसे सिविल ऑफेंस में बदल दिया गया था आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड फाइनली अभी फिर से नए इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन समझते हैं है क्या इशू तो सेक्शन 497 इन आईपीसी टॉक्स अबाउट अडल्ट्री एक क्रिमिनल ऑफेंस बताया गया है जिसे अप टू पांच साल की सजा या फाइन या सजा और फाइन दोनों से पनिश किया जा सकता है सो दिस हाउ सेक्शन 497 रीड यदि अपन इसको पढ़ेंगे तो हू है इंटरकोर्स विदर्सन इज एंड मतलब की दिस इज रिफरिंग टू अ मैन नोस रीजन टू बिलीव टू बी द वाइफ ऑफ अनदर मैन मतलब कि ये केवल मैन का हस्बैंड का सेक्स की बात कर रहा है विद वाइफ विदाउट द कंसेंट मतलब कि कंसेंट की बात कर रहा है किसके कंसेंट की बात कर रहा है ये बात कर रहा है हस्बैंड जो है उसकी वाइफ यदि हस्बैंड गिव्स अ कंसेंट फॉर हिस्स वाइफ टू हैव सेक्स विद अनदर मैन तो ये इशू नहीं आता है. मतलब कि वाइफ का कंसेंट की बात नहीं कर रहा है यहां पर कंसेंट ऑफ द की बात दिस इज कंट्रोवर्शियल इशू ठीक है मतलब कि ये इसको बोला जाता है विक्टोरियन एथिक्स पर जो विमेन होती है वो मैन की प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट की जाती है मतलब कि यदि मैन बोले तो विमेन इज परमिटेड टू हैव सेक्स और एक और प्रोविजन देखिए यदि ही लिखा है मतलब कि इफ वुमेन इज इन्वॉल्व इन अडल्ट्री तो उसको इस ऑफेंस में नहीं गिना जाएगा तो दो प्रॉब्लम अपन को यहीं से समझ में आ गई मतलब कि दिस एक्ट इज नॉट जेंडर न्यूट्रल सबसे बड़ी बात और दूसरा इट बिलीव्स इन ओल्ड डेफिनेशन ऑफ मोरालिटी जहां पे वुमेन इज कंसिडर्ड एज द प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड, ठीक है ये एक प्रॉब्लम आ गई ठीक है अब इसी इन प्रॉब्लम्स की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया केस uh, गया सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में केस गया जोसेफ शाइन केस में सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री को स्ट्राइक डाउन कर दिया और क्या रैशनल दिया वो अपन समझते हैं सबसे पहले डिस्क्रिमिनेटरी बोला देखा अपन ने क्यों डिस्क्रिमिनेटरी है क्योंकि केवल और केवल मैन वुड बी द वन हुनिश एक्ट में तो उन्हें इस एक्ट के तहत पनिश नहीं किया जाएगा और यदि आप अडल्ट्री की कॉमन सेंस डेफिनेशन देखोगे या इवन डिक्शनरी डेफिनेशन देखोगे तो अडल्ट्री में इट इज इट इज नॉट जेंडर न्यूट्रल कोई भी हजबेंड या वाइफ इन अ मैरिटल रिलेशनशिप यदि वो चीट करेगा तो वो एडल्ट्री की डेफिनेशन में आता है तो यहां पर केवल मैन को पनिश करना तो बिल्कुल ही गलत है इसी को अपन एक्सटेंड करते हैं तो आर्टिकल 14 और 15 क्या बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी तो इक्वालिटी तो डायरेक्ट वायलेट हो रही है वुमेन और मैन की इक्वालिटी वायलेट हो रही है ठीक है एंड देयर इज नो लॉजिक तो इसलिए इसे कैंसिल कर दिया जाता है अब एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है प्राइवेसी का अब जो मैरिज होती है वो बहुत ही दो इंसानों के बीच में पर्सनल रिलेशनशिप होती है यदि इस चीज को आप क्रिमिनलाइज करते हो और कोर्ट में प्रूफ करने की बात करते हो तो द द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्टेट द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट और उनसे एसोसिएटेड सारे के सारे लोग बहुत ही पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं इस वजह से प्राइवेसी का बहुत बड़े मात्रा में उल्लंघन होगा आर्टिकल 21 में जिसमें प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट right माना गया है वो एक बड़े तरीके से वॉयलेट होगी ये एक मेजर इशू बताया गया इसके बाद

उनको क्रिमिनल की जगह आपको सिविल लॉ में डील करना चाहिए सिविल लॉ मतलब कि एडल्ट्री कुड बी अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स इस तरीके से कर अनलेस अनटिल यदि एडल्ट्री के साथ आप मेंटल टॉर्चर कर रहे हो वाइफ को फिजिकल टॉर्चर कर रहे हो टू सच एन एक्सटेंट कि वो सुसाइड की तरफ अबेट कर रहे हो तो आर्टिकल 300 जो आईपीसी सेक्शन 302 लग जाएगा अबेटमेंट तो टू सुसाइड उस केस में आप बाकी प्रोविजन ऑफ आईपीसी को यूज करके उस एक्ट को क्रिमिनलाइज करो बट फॉर नॉर्मल उसे सिविल ऑफेंस मानो और सिविल ऑफेंस की तरह ट्रीट करो दिस वॉज अ कंटेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट उसी बेसिस में इसको स्ट्राइक डाउन किया गया नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं अब जो नई जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है राज्यसभा के एमपी जो हैं उनके नेतृत्व में यह कमेटी बनी है उन्होंने क्या रिकमेंड किया है इसको अपन समझते हैं उन्होंने बोला है वापस से इसे क्रिमिनल ऑफेंस बना देना चाहिए और इन्होंने दो लॉजिक को दिया है सबसे पहला इन्होंने बोला है टू कंटेन द सुप्रीम कोर्ट आर्ग्यूमेंट अपन क्या बनाएंगे अडल्ट्री जो आईपीसी में, में, में था उसे अपन जेंडर न्यूट्रल बना देंगे मतलब मीनिंग टू से नाउ बोथ मैन एंड वुमेन हजबैंड और वाइफ अंडर दिस सेक्शन सबसे पहला और उन्होंने एक स्पेशल आर्ग्यूमेंट दिया है कि भैया जो मैरिज है ना वो बहुत ज्यादा एक सैक्रोसेंट इंस्टीट्यूशन है इंडिया में एक होली यूनियन है बिटवीन हजबेंड एंड वाइफ इस वजह से मैरिज को अपन को प्रिजर्व करने के लिए प्रयास करना चाहिए मैरिज हमारे कस्टम का कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तो ऑल एफर्ट्स मस्ट बी मेड बाय द लॉ टू प्रिजर्व द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज यही आर्ग्यूमेंट यदि आपको पता है तो एल के लिए भी दिया जाता है मैरिज को नहीं प्रमोट करने के लिए बहुत तरीके में जब क्या मैरिटल लॉ को मैरिटल रेप को क्रिमिलाइज करना चाहिए उसमें भी यही लॉजिक दिया जाता है इसको किया जाता है तो इस आर्ग्यूमेंट से आ, माना जा रहा है वापस से बी में अडल्ट्री को एक क्रिमिनल ऑफेंस किया जाएगा अब एक सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ को खारिज कर दिया ठीक है फिर क्या जो पार्लियामेंट है जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो फिर से उसको पास करके उस लॉ को वापस ला सकती है दैट इज वन क्वेश्चन माइंड तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है नंबर वन लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या है एक सुप्रीम बॉडी है सुप्रीम कोर्ट के हर एक जजमेंट खुद में रूल ऑफ लॉ एक लॉ बन जाता है ठीक है यह अपन जानते हैं इनफैक्ट सिविल यदि कोर्ट इवन हाई कोर्ट का भी जजमेंट रहता है तो वो थ्रू आउट द कंट्री एक लॉ बन जाता है सिंपल एज दैट लेकिन पार्लियामेंट भी लेजिस्लेटिव बॉडी है तो पार्लियामेंट का भी जो लॉ है वो थ्रू आउट द कंट्री वैलिड रहता है बट यदि दोनों के बीच में टक्कर होगा तो सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट गार्डियन ऑफ कंस्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट की बात को माना जाएगा हालांकि एक जजमेंट हुआ था पहले जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने जिस पॉइंट को उठाया है और लॉ को खारिज किया है यदि नए लॉ में वो पॉइंट को ही हटा दिया जाए वो बोन ऑफ कंटेंशन हट जाए तो यदि पार्लियामेंट जो नया लॉ पास करेगा

ये सारे आर्ग्यूमेंट को किया था तो केवल और केवल जेंडर न्यूट्रल प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट करने से इनको इग्नोर करने से हो सकता है यदि नया लॉ आए वापस से अपील हो और सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को भी खारिज कर दिया जाएगा ऐसा एनालिस्ट दावा कर रहे हैं ठीक है अब ऐसे क्वेश्चन में एक सवाल उठता है जैसे अडल्ट्री और डाइवोर्स शुड क्रिमिनल एक्ट अब ऐसे क्वेश्चन में जब भी आप आंसर लिखोगे तो एक प्रॉब्लम उठती है कि या हम सिविल का साथ दें या क्रिमिनल का साथ दें कंक्लूजन में क्योंकि सरकार अभी क्रिमिनल बोल रही है सुप्रीम कोर्ट सिविल बोल रहा है और जनरली बोला जाता है अपन सरकार के आर्ग्यूमेंट्स को अपोज ना करें इन यूपीएससी इंटरव्यू या मेंस ठीक है बिल्कुल सही बात है तो ऐसे क्वेश्चन में आप दोनों स्टैंड लोगे कि सिविल के कुछ फायदे हैं

तो मनोज सोनी सर ने आ, एक टॉपिक था एल जी बी टी के Now, उस टॉपिक में उनसे राय पूछी थी एंड ही राइटली सपोर्टेड इट बट वो बहुत एक्सटेंड तक उसे उन्हें क्रिटिसाइज करते रहा एंड फाइनली दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ रिजल्ट ही आया कि उस बंदे को इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स मिले थे तो विदाउट गोइंग इन टू एकदम कन्फ्रंट ना करते हुए आप अपना स्टैंड लेके धीरे से खिसक जाओ यही मेंस में करना है यही आपको इंटरव्यू में करना है दैट इज गोइंग टू हेल्प यू तो प्रोग्रेसिव ट्राई करो एंड देन बी सटल डोंट टेक अ वेरी फर्म स्टैंड कि नहीं भैया यहां पर सिविल ही ले सकते हैं क्रिमिनल ही ले सकते हैं दैट वुड क्रिएट प्रॉब्लम ठीक है तो नॉर्मल जो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो अपन डिस्कस किए वही हैं सिविल के क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं क्रिमिनल के क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं ठीक है मैरिटल सैंक्टिटी को प्रिवेंट करेगा जेंडर न्यूट्रलिटी लेगेसी है लॉ को पुराने लॉ को चले जा रहे हैं उनको रिस्पेक्ट करेगा फिर मॉरल वैल्यूज जो सोसाइटी की उनको रिस्पेक्ट करेगा और सिविल में जो अपन ने आर्गूमेंट देखे वही सारे रहेंगे स्टार्ट अप इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते थे कुछ भी जो स्टोरी अपन ने पढ़ी कि क्या केस है सुप्रीम कोर्ट का फिर आईपीसी का फिर बीएनएस का तीनों का एक छोटी सी लाइन में इंट्रोडक्शन कर दोगे बॉडी ये हो गई कंक्लूजन में यू कैन राइट दैट कि यदि कई बार आपको आंसर फाइनली कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कई बार ऐसा होता है वी गेट स्टक इन द मेंस राइटिंग तो आप एक बहुत ही सटल स्टैंड ये लग सकते हो कि जरूरत तो है कि इंडिया में मैरिज सैक्रिटी को प्रिजर्व किया जाए लेकिन ये बात भी है कि हम सिविल ऑफेंस को क्रिमिनलाइज करा करें कि नहीं ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इशू है तो बाय इनिशिएटिंग डिबेट ऑन टॉपिक एंड जनरली एक पार्लियामेंट्री डिस्कशन हो लोगों के ओपिनियन माना जाए उसके बाद जिस स्टेप पर सोसाइटी रेडी हो उसके अकॉर्डिंग लेना चाहिए ऐसा करके स्टैंड लिया जा सकता है यदि आप कंफ्यूज हो तो दिस इज वन वे टू एस्केप इन द एग्जाम इंटरव्यू में नहीं कर पाओगे ऐसा एस्केप लेकिन मीन्स में कर सकते हो ऐसा एस्केप ठीक है दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक थैंक यू हैव अ नाइस डे